हाय फ्रेंड्स, इमोट कैशुअल्स में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये कुर्ती के बारे में, ये कुर्ती का सिलाई किस तरह होता है करके बताता हूँ। ये एकदम इसी सिंपल कुर्ती है, इसमें 3 पैनल लगा हुआ है, उतना ही इसमें फ़र्क है। बाकी इसका कटिंग में नहीं दिखाता क्योंकि ये सिंपल कुर्ती है। इसका मेजरमेंट क्या क्या होता है वो इसके इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाता हूँ, वो देख के आपको आराम से बना सकता है। जैसा हमने मॉडल में देखा था उसी तरह हम इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये दोनों अलग अलग साइड में इसी तरह हम ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों, ये कभी भी ये ज्वाइन करने के बाद एक और बार इसको ये ऊपर से भी हम इसका सिलाई मार देते हैं। इसकी वजह से ये सिलाई एकदम पक्का हो जाता है। ये देखो, ये अभी फ्रंट पीस हमारा रेडी हो गया हुआ है। अभी इसमें हम नेक बनाना है और बाकी इसी तरह हम पीछे का भी पीस जोड़ देता हूँ। इसमें मैं पहले आपको नेक लगा के दिखाता हूँ। नेक ये है हमारा नेक का शेप। ये जो शेप देखो, ये है हमारा नेक का शेप। ये ब्लैक कपड़ा है, इसमें अभी ये कैनवास भी लगा हुआ है। अभी हमें सिलाई करना है, इसी लाइन में से सिलाई करना है। उसके पहले हम इसका सेंटर मार्किंग करता हूँ।
हमारा सेंट्रल मार्किंग हो गया, मार्किंग करने के बाद हम पहले भी इसमें सब में पिन लगाता है, ये पिन मारने से ये फायदा ये एकदम आपको परफेक्ट फिनिशिंग में आ जाएगा, नहीं तो इधर इधर हो खिलने का चांस ज़्यादा है, इसलिए कभी भी ये पिन मार के ही नग का सिलाई शुरू करने का। अभी ये नग हम इसमें सिलाई करके लगाता हूँ। ये अभी हमारा नेक हो गया अभी तैयार, अभी हम इसको काट के अभी ये देखो ये नेक तो हमारा कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद में हम ये सब पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है, फिर भी जो भी लोग नया नया देखने वाला होगा इसलिए इसको इसी तरह काट देने का, क्योंकि ये अच्छी तरह मोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। के बाद हम इसको अभी इधर से उस तरफ पलट के पलट देता हूँ। ये देखो यही हमारा नेक का शेप है, इसमें पाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगाता है, एकदम सिंपल ये बनाया हुआ है, इसमें पाइपिंग नहीं लगाता है। हम इसको मोड़ने के बाद इसके ऊपर से एक और बार सिलाई मार देता है। Thank you.
ये हमारा अभी फ्रंट पार्ट रेडी हो गया, एकदम सिंपल नेक, इसमें कुछ भी नहीं करते हैं हम।